तो आज हम बात करने वाले हैं झाइयों के लिए, ये क्यों होती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो में पूरा बना रहने होगा, यानी कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आपको सारी सारी बातें मेरी समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रूबी एंड आज मैं आपसे बात करूंगी पिगमेंटेशन से रिलेटेड, झाइयों से रिलेटेड। तो देखिए, पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब मैं एक एक कारण करने बैठूंगी ना तो शायद ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा और मेरी 100 वीडियो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं फिर भी चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जो आ जाए मैं उनको बता सकूं, शायद वो उस चीज से बचाव कर सके और उस चीज को फॉलो कर सके। जैसे कि देखिए, पिगमेंटेशन होने के कारण मेन हमारा हमारी ही गलती कुछ हो जाती है। जैसे कि जब हम 18-19 साल की एज में होते हैं तो क्या होता है कि हम उस टाइम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, कुछ भी जो हमको बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बचपना होता है, कौन इतना सोचता है कि हमको ये लगाना है ये लगाना है, हम लगा लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे हमारी एज बढ़ती है, जब हम 20 साल, 25 साल, 30 साल की एज में आते हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते आपके अंदर वो पनप रही होती है पहले से, यानी कि वो पहले से हो चुकी होती है। लेकिन जब हमारी एज बढ़ती है तो वो आपकी प्रॉब्लम ऊपर दिखाई देने लगती है। तो इस वजह से हमारी पिगमेंटेशन, हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी तो थी नहीं, ये कैसे अचानक से आ गई, पहले तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं था। आपकी प्रॉब्लम पहले से थी, ये अचानक से नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगी, अगर आप टाइम से नहीं सोओगे तो पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो थकान, उसके वो जब थकान हमारे फेस पे होती है तो जब पिगमेंटेशन एक बार हो जाता है, या अगर आपका नहीं भी हुआ है लेकिन अगर आपको कंटिन्यू थकान हो रही है, नींद कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है आपका, तो आपको पिगमेंटेशन आने का चांसेस रहता है। थर्ड, आपका मेडिसन, अगर आप बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादातर आप मेडिसन लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, यानी हेल्थ में कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप कोई भी मेडिसन लेते हैं, तो उससे भी हमारी पिगमेंटेशन होती है। और लोगों को हेल्थ के लिए मेडिसिन लेना भी पड़ता है, मैं ये भी बात मानती हूँ, लेकिन जितना हो सके कोशिश करो कि कम मेडिसिन खाओ। जितना कम मेडिसिन खाओगे आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन किडनी को ही खराब करती है। ये हो गया आपका टेंशन। टेंशन तो आप, मतलब बताने की शायद जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हो, टेंशन में क्या होता है कि आपका माइंड वही काम करता है जो आप सोचते हो, मतलब माइंड में आपको बैठा दिया कि टेंशन है, मुझे ये नहीं हो रहा है, फैमिली से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, यार टेंशन तो सबको होता रहता है, उसकी वजह से भी हमारे फेस खराब होते हैं। लेकिन टेंशन ना चाहते हुए भी होता है, बट मैं चाहूंगी कि ना हो, कोशिश करना कि टेंशन ना हो, आप अच्छे रहें, टेंशन फ्री रहें। नींद पूरी करो, जैसे बोला आपका, दवाइयां कम खाओ, आपका टेंशन कम लो, और हाँ, स्टेरॉइड क्रीम, केमिकल क्रीम से बचाव करो। नहीं पता है तो पूछ लो, अगर आपको कोई समझा रहा है तो उससे पूछ लो। केमिस्ट पे जाके डायरेक्ट 10 रुपए, 100 रुपए की क्रीम मत लगाओ। आप खुद सोचो, 100 रुपए की क्रीम क्या आपको ठीक कर सकती है? कभी नहीं, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड है, केमिकल है, वो आपको सिर्फ नुकसान करेगी। इन सब चीजों से बचो। जो कारण है वही आपका सॉल्यूशन भी है। जो कारण मैंने बताया उसका सॉल्यूशन भी है कि मेडिसिन कम खाओ, नींद पूरी करो, स्टेरॉइड केमिकल वाली क्रीम से बच के रहिएगा हमेशा, और मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, यानी कि आपको हर्बल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन सेंसिटिव होती है। अब भले आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी नॉर्मल स्किन है, लेकिन सेंसिटिव स्किन सबकी होती है। इसलिए मना करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज ना करें। तो जो आपके मैंने कारण बताए कि आपका नींद पूरा नहीं होना, आपको दवाइयां खाना, ज्यादातर दवाइयां खाना, स्टेरॉइड केमिकल वाली क्रीम यूज करना, टेंशन लेना, तो उसी चीज को आप कम कर दो, वही सॉल्यूशन है आपका। मैं तो एक आपको सलाह देना चाहूंगी, अगर आप 18 साल की हैं तो प्लीज अभी कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें, इतना जरूरी नहीं है। भले आप कॉलेज जाती हैं या आप स्कूल जाती हैं, ठीक है, मान लिया वहां पे भी थोड़ा अच्छा दिखना होता है, लेकिन अभी मत दिखो अच्छा, जैसे हो वैसे रहो नेचुरल। जब आपकी एज थोड़ी 18 साल के बाद, मतलब 19-20 की हो जाएगी, तब आप यूज करना, उससे आपका स्किन खराब नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो प्लीज अगर हो सके तो फॉलो कर लेना, बाकी मेरा काम कहने का है, समझाने का है, आपकी मर्जी है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम केमिस्ट पे जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि मेरे को पिगमेंटेशन झाइयां बहुत हो रही हैं, इतने टाइम से है, ठीक नहीं हो रही है। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी आपका, जब आप परेशान होती तो वो भी कहते हैं अच्छा मैडम ठीक है। हाँ, आपका सवाल यही होता है कि आप ऐसा कोई क्रीम दे दीजिएगा जिससे कि मतलब सस्ते में भी आ जाए और मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। सस्ते के चक्कर में तो हर चीज का नुकसान होना ही है। तो आप जाएंगी तो आपको 100-150 वाली क्रीम दे देंगे कि मैम आप लगाओ, देखो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
आपके अंदर तो दिमाग है ना कि 10 दिन 15 दिन में कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर वो 10 15 दिन में ठीक कर रहे हैं तो कैसे ठीक कर रहे हैं? कोई और क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है जो 10 15 दिन में वो ठीक कर देंगे? कोई भी हो जाए, कोई भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं कि 15 दिन 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे, नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो कि अगर आपको 10 15 दिन में वो ठीक कर रहा है तो इसके अंदर बहुत हार्ड केमिकल है जो आपको नुकसान दे सकता है। ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है ना, कहते हैं ना कि दूसरे की तकलीफ जब आपको समझ में आएगी जब वो खुद आप तकलीफ में होते हैं। तो मेरी जब तकलीफ खुद की थी तभी तो मैं आप लोगों की तकलीफ समझती हूँ, समझाती भी हूँ चीजों को। तो प्लीज इन सब चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करो, अच्छी चीजें यूज करो, बढ़िया चीजें यूज करो। रही खाने पीने की बात, बाहर का जंक फूड जितना हो सके उससे बचो। वो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, नुकसान देता है। अच्छा खाना खाओ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। ठीक है सर्दियों में कम पानी पिया जाता है, कोशिश करो कि पी लो, कोशिश तो कर सकते हैं ना, थोड़ा मन भी नहीं कर रहा है तो पी ले पानी, बस ये कीजिएगा। फेस के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। अच्छे ठीक है, फल के लिए पैसे नहीं है, फ्रूट्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। फ्रूट्स नहीं है तो कोई सब्जी अच्छी सी, आप खीरा ले लिया आपने, आप खीरा खा सकती हैं, अपने सलाद शामिल कर सकती हैं खाने में, अच्छी प्रोटीन ले सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं अगर हम करना चाहें तो घर पे भी। रही होम रेमेडी की बात, होम रेमेडी मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ, लेकिन हाँ होम रेमेडी से खाली पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। ऑफकोर्स कैसे जाएगा, अगर जाता तो सालों से लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनका क्यों नहीं गया? इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। आप होम रेमेडी लगाइए और साथ में प्रोडक्ट यूज कीजिए, देखना 100% रिजल्ट आएगा। प्रोडक्ट आप सब यूज कर ही रहे हैं, ये डे क्रीम हो गई आपकी, ठीक है, ये आपका सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन है, डे क्रीम है, सीरम है, आपका फेस वॉश है, एंड ये है आपकी, ये आपकी नाइट क्रीम है। ये सब हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, ये सारी चीजें आप लगाओ। सनस्क्रीन टाइम से लगाओ, सनस्क्रीन हमेशा लगा के रखो घर हो या बाहर, क्योंकि सनस्क्रीन हमें बहुत सारी चीजों से बचा के रखती है। और सनस्क्रीन सही होना भी बहुत जरूरी है, कम से कम 50 SPF होना चाहिए। आप जैसे अब सनस्क्रीन मैंने जैसे मैंने बताया था लॉन्च किया था, तो मैंने उसमें बोला था कुछ हटके है, हटके यह है कि इसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है, ये आपकी यूवी लाइट से भी प्रोटेक्ट, यानी कि आपको यूवी लाइट से तो प्रोटेक्ट करती है, साथ में आपको ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है। फोन की लाइट हो गई, टीवी की लाइट हो गई, घर की लाइट बल्ब हो गए, उन सबसे प्रोटेक्ट करेगी। आप इसे घर में इसलिए लगाने को बोला गया है ताकि इन सब चीजों से बचाव कर सके, बाहर की धूप से भी बचाव कर सके और अपनी स्किन को ठीक रख सके। तो आपको क्या करना है, सीरम के ऊपर ही सनस्क्रीन लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, घर पे भी रह सकती हैं, किचन में भी जा सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रोडक्ट हो किचन में लगा के काम मत कीजिए, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। आपका पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है, मर्जी आपकी है, समझाना मेरा काम है। बस आप ये सारी चीजें टिप्स फॉलो करो, छोटे छोटे जैसे बोला है, कुछ इतना भारी टिप्स नहीं है, हम खुद ही उसे ठीक कर सकते हैं, उसे खुद ही खराब कर सकते हैं। मैंने बोला ना चार कारण तो चार सॉल्यूशन, वही है, उसके कारण भी वही है और सॉल्यूशन भी वहीं पर ही है। ये सब चीजों का ख्याल रखिए। बाकी प्रोडक्ट हैं झाइयो के लिए सारे, आपका सीरम है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, लगाओ आराम से, स्किन को ठीक करो, झाइयां भी खत्म करो, एक्ने स्पॉट भी खत्म करो, स्किन ग्लो भी करो। और सबसे अच्छी बात, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई नुकसान देने वाला नहीं है, हमेशा भी यूज कर सकते हैं इसे, लाइफ टाइम भी यूज कर सकते हैं, और इसको जब ठीक हो जाए तो छोड़ भी सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर मैं दे रही हूं आपको तो आपको लगाना चाहिए। नहीं समझ में आता है कुछ चीजें तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई भी आपको जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है थोड़ा लेट मिले पर मिलता है। तो इन सब चीजों को लगाओ, अपनी स्किन को ठीक करो, रेमेडी भी लगाओ। रेमेडी आपको अगर ये तीन रेमेडी अगर आपको 4 या 3 महीने में रिजल्ट दिखा रही है धीरे धीरे, तो प्रोडक्ट के साथ आपको वो 2 महीने में दिखाएगी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसलिए रेमेडी के साथ साथ प्रोडक्ट यूज कीजिए, रूटीन रखिएगा, कुछ चीजों को फॉलो कीजिएगा, कुछ चीजों को इग्नोर कीजिए और कुछ चीजों को शामिल कीजिए, बस। और कुछ नहीं करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, किसी को भी प्रोडक्ट लेना है या कुछ पूछना है स्किन से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं मेंशन कर दूंगी आपको स्क्रीन पे, आप देख सकती हैं। डिस्क्रिप्शन आप प्लीज हमेशा चेक किया कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक भी दे के रखती हूँ, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, डायरेक्ट मेरे पास से भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड मेरे ऑफिस आके भी ले सकते हैं। दिल्ली में ऑफिस है, निर्माण विहार,
नियर मेट्रो स्टेशन V3S मॉल विकास दीप बिल्डिंग 8th फ्लोर एंड 803 ऑफिस क्लिनिक। आप यहाँ के विजिट करके भी दिखा सकते हैं, अपनी स्किन का ठीक रखिएगा, अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए। प्लीज अब बाहर के प्रोडक्ट यूज मत कीजिए, यानी कि कोई केमिकल स्टोरेज वाला नहीं, बहुत हो गया, बहुत यूज कर लिया, अब उसको छोड़ दो। आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करो और स्किन को अच्छा करो। टाइम लगता है क्योंकि पिगमेंटेशन हो, आपका झाइया हो, एक्ने स्पॉट हो, कोई भी तरीके का दाग धब्बा हो, जितना टाइम आने में लगता है उतना टाइम जाने में लगता है, बस इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके हाथ में, करना नहीं करना मैं नहीं बोलूंगी, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, वो अपने आप को ठीक कर सके और मुझे थैंक्स बोल सके। ये तो टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, हमेशा अच्छे अच्छा रहना है, अच्छे प्रोडक्ट यूज करना है, बस इन बातों को फॉलो करना है और कुछ नहीं। थैंक यू।